तो वेलकम तो टू वे सिनेमा और आज तो हम स्पाई से या टाइगर सीरीज की मुझे से क्या एक्सपेक्ट करते हैं सबसे पहली चीज एक्शन सेकंड स्टोरी और थर्ड बेस्ट सीजीआई। अगर आप ट्रेलर को देखते हो तो कोई चीज जो है ना आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रही मुझे सिर्फ एक चीज थोड़ी सी लगी कि यार इमरान अजमी को थोड़ा सा ज्यादा दिखाना चाहिए था ट्रस्ट मी जैसे ट्रेलर शुरू हुआ ना तो मैं इमरान हाशमी को ढूंढ रहा था कि है भाई इमरान हाशमी कहा है और उस बंदे का एक फाइनल लुक जो है ना वो ट्रेलर के लास्ट में हमें दिखाया गया तो तो ये मुझे थोड़ी सी चीज लगी यार थोड़ा ज्यादा दिखाना चाहिए था। एक तो उसका दिखाना चाहिए चाहिए था था एक शॉट कोई उसका बेस्ट अब बात करते हैं दूसरी चीजों की सबसे बेस्ट जो चीज लग रही है भाई ट्रेलर की वो है एक्शन पूरे जो एक्शन सीन्स है ना मूवी के वो उठा के उन्होंने ट्रेलर में एक मोन्टाज बना के दिखा दिया कि ये ये सीन जो है ना ये मूवी में होने वाले हैं और कहानी का आपको आइडिया भी नहीं होता कि क्या कहानी होने वाली है ठीक है मोटा मोटा आइडिया होता है वही जो हमें पहले टीज़र से लगा था कि भाई टाइगर रोग होने वाला है और वही चीज जो है ना वो ट्रेलर में हमें देखने को मिलती है भाई जो एक्शन है भाई क्या बात किस सीन की बात करूं किस सीन को छोड़ू और वो जो कैटरीना का जो एक्शन सीन है वो जो अगर आप सोचोगे तो वो फास्ट एंड फ्यूरियस वाली फील आती है जो लड़कियां दोनों फाइट कर रही हैं लेकिन ओके भाई मजा आएगा देखने में ट्रेलर में सलमान खान कहते भी किसी को नजर आते हैं फोन पे कि एक मिशन के लिए जरूरत है तुम्हारी रॉ के लेनी है पर्सनल है तो हो सकता है कि वो पठान से बात कर रहे हो सकता है लेकिन भाई जब आप इमेजिन करो अगर पठान आता है तो कहाँ पे आएगा आना तो है उस बंदे ने जैसे अगर आप मुझे पूछो कि पठान का बेस्ट सीन मेरा कौन सा है माय फेवरेट तो मैं कहूंगा जब भाई सलमान खान का कैमियो होता है और आदित्य चोपड़ा ने टाइगर थ्री पे 35 करोड़ लगाए हैं सिर्फ शाहरुख खान के कैमियों पे वो एक बड़ा मोन्टाज होने वाला है एक्शन मोन्टाज इन सारी चीजों से हट के एक बड़ी इमोशनल कहानी होने वाली है ट्रेलर पूरा भाई आपको जो है ना वो हुक करके रखता है इमोशन पे जैसे इमरान हाशमी कहता है कि तुम या अपने देश को बचाओगे या अपनी फैमिली को और फिर सलमान खान कहते हैं आतशबादी शिजत होने की खत्म मैं करूंगा इन सारी चीजों से ये पता चलता है की मूवी में डायलॉग अमेजिंग होने वाले है उसके बाद इमरान हाशमी कहते हैं ना तुमने मुझसे मेरा सब कुछ छीना इस बार तुम हारोगे टाइगर और मैं तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीनूंगा ओवरऑल भाई मुझे ट्रेलर काफी पसंद आया मुझे इस तरह की मूवीज बहुत पसंद आती हैं और स्पाई यूनिवर्स तो भाई अपने पीक पे है और जो पोटेंशियल है ना यार इस यूनिवर्स में मैं समझता हूँ इंडियन जितने भी यूनिवर्स हैं किसी में इतना पोटेंशियल नहीं है इन सब चीजों के पीछे भाई इसको बैक कर आदित्य चोपड़ा जैसा दिमाग भाई वो बंदा बड़ी आगे की सोच रखता है तो आगे प्रोजेक्ट जो आने वाले है ना वो भी बड़े अमेजिंग होने वाले हैं लास्ट में थोड़ी सी बात करूंगा यार अपना दिल खोल के सलमान खान दिस इज आवर ओ सलमान खान इस तरह की मूवीज चाहिए इस तरह का एक्शन चाहिए हमें अब देखते हो पूरा ट्रेलर जो है ना पूरा ट्रेलर वो सलमान खान अपने कंधों पे लेके चलते हैं इसीलिए तो उनके फैंस जो है ना वो रोते रहते हैं कि भाई हमें नहीं चाहिए राधे जैसी मूवी किसी का भाई किसी की जान जैसी मूवी हमें इस जैसी, जैसी मूवीज बना के दो क्योंकि जो पोटेंशियल है सलमान खान का जो उनकी स्क्रीन प्रेजेंस है पूरे बॉलीवुड में किसी बंदे की नहीं है एक चीज तो भाभी मैं कहने वाला हूँ कि ये मूवी हिस्टोरिक ओपनिंग लेने वाली है और उसकी एक और बड़ी वजह है वो है इसकी वैल्यू इस सीरीज़ की जो वैल्यू है ना भाई वो बहुत बड़ी है यार मैं समझता हूँ कि बॉलीवुड की सबसे जो बिगेस्ट सीरीज़ है ना एक्शन सीरीज उसमें शुमार होता है टाइगर का तो भाई ये तो एक सीरीज ही अपने हिसाब में बहुत बड़ी है तो मैं ज्यादा यार आपका दिमाग नहीं खाऊंगा मुझे ट्रेलर बहुत पसंद आया मुझे कुछ नगेटिवी नज़र नहीं आई बाई इसके इमरान आशमी को थोड़ा ज्यादा दिखाना चाहिए था तो भाई आपको कैसा ट्रेलर लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात हुई किसी और वीडियो में टेस्ट दैन केयर थैंक यू